हेलो बच्चों, आज हम शूट सिस्टम या पौधे के ऊपरी भाग के बारे में जानेंगे, खासतौर पर तने में रूपांतरण के बारे में। हम पहले से ही जानते हैं कि पूरे पौधे को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जमीन के नीचे का भाग या जो भाग मिट्टी में रहता है उसे जड़ तंत्र या रूट सिस्टम कहते हैं। जो भाग जमीन के ऊपर उपजता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम तने, पत्तियों, कली, फूल और फलों आदि से मिलकर बनता है। तने का मुख्य काम शाखाओं को फैलाना और पत्तियों, कलियों, फूल और फलों को संभालना है। तना एक पाइपलाइन की तरह कार्य करता है जो जड़ों से पानी और खनिज तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है, साथ ही पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। आप जानते हैं कि कुछ पौधे कटे हुए तने से स्टेम कटिंग पद्धति से ही उग जाते हैं, जैसे कि गुलाब, हिबिस्कस, जैस्मीन का पौधा आदि। इस कार्य के अतिरिक्त कुछ पौधों में तना कुछ विशिष्ट कार्य भी करता है। कई पौधों में तना डोरी जैसी संरचना वाले टेंड्रिल या प्रतान में बदल जाता है। ये पौधे अपने सहारे पर चढ़ने के लिए उसके आसपास टेंड्रिल को लपेट देते हैं। कई पौधों जैसे करेले, मटर, अंगूर आदि में टेंड्रिल्स होते हैं जो कि तने का रूपांतरित रूप है। ये पौधे अपने सहारे पर चढ़ने के लिए टेंड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। कैक्टस प्लांट की बात करते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि किस तरह कैक्टस का पौधा अपने आप को रेगिस्तान के वातावरण के अनुसार बदलता है? ये तने और पत्तियों में रूपांतरण के कारण संभव होता है। कैक्टस रेगिस्तान में होता है जहां पानी की बहुत कमी है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैक्टस के पौधे का तना हरा और चपटा है, उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए कैक्टस का हरा तना भोजन बनाने का कार्य भी करता है। कैक्टस का तना बहुत गूदेदार होता है और लंबे समय तक पानी का संग्रहण कर सकता है। कैक्टस की पत्तियां पानी बचाने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाती है। कुछ पौधे अपना अतिरिक्त भोजन तने में संग्रह करते हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि जमीन के अंदर उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये तने हैं। यदि आप आलू को ध्यान से देखेंगे तो आपको उस पर आंख की तरह की संरचना दिखेगी जो वास्तव में बड है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। जब भूमिगत तना या जड़ भोजन जमा करने की वजह से फूल जाता है तब उस रूपांतरित भाग को ट्यूबर या कंद कहते हैं। तो आलू एक ट्यूबर या कंद है। प्याज एक गांठ या बल्ब है। बल्ब एक भूमिगत संग्रह करने वाला भाग है जो तने और पत्तियों से बना होता है। बल्ब बहुत सारी गद्देदार धारी वाली परत से बना होता है जो वास्तव में पत्तियां हैं, और बल्ब के बीच के भाग में एक बड होती है। बल्ब के निचले भाग में जड़ें होती हैं, तो बल्ब भी रूपांतरित तना ही है। लेकिन अदरक एक राइजोम है। राइजोम एक फूला हुआ तना है जिसमें छोटी पत्तियां और जड़ होते हैं। राइजोम्स जमीन के समानांतर बढ़ती है, तो भूमिगत तना भोजन संग्रहित करने के लिए विभिन्न रूपों जैसे ट्यूबर, बल्ब, राइजोम में बदल जाता है। चलिए तने का विभिन्न रूपांतरण को संक्षेप में दोहराते हैं। साधारण हरे तना भोजन बना सकते हैं। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब भोजन संग्रह करते हैं। गद्देदार तना पानी संग्रह करता है। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब आदि में जो बड होता है वह नए पौधों को उत्पन्न करने में सहायक हैं। टेंड्रिल्स पौधों को सहारा पे चढ़ने में मदद करता है। अभी के लिए इतना ही।
बाय बाय बच्चों।